खबर हो रही है उत्तर प्रदेश से आ रही। चुनाव आयोग द्वारा जैसे ही अधिसूचना जारी की गई वैसे ही जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा जनपद में अधिसूचना जारी कर दी। उसके उपरांत पुलिस सक्रिय हो गई। बता दें कि चौराहे और तिराहे पर लगे पोस्टर प्रत्याशी के बैनर होल्डिंग को हटा दिया। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता की, जिसके उपरांत उन्होंने निर्देश जारी किए। निर्देश जारी होते ही सभी जिला अधिकारी को सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा सूचना जारी कर दिए। सूचना जारी होते उन्होंने अधीन स्तरों पर निर्देश दिए गए सभी राजनीतिक दलों पोस्टर बैनर को तुरंत तत्काल हटाया जाए और पोस्टर एवं बैनर को हटाए जाने को लेकर कोतवाली पुलिस के अलावा नगर पालिका पुलिस टीम के साथ मौजूद रही, जिसके दौरान पुलिस ने सुभाष चौराहे और अन्य स्थानों पर लगे राजनीतिक दल के पोस्टर को तुरंत हटवा दिया। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए आशीर्वाणी। आज आचार संहिता लागू हो जाने के कारण जितने भी राजनीतिक होल्डिंग बैनर साथ लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। इस तरह ये कब तक चलता रहेगा ये आपका अभियान? ये जब तक आचार संहिता लागू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा और बिना परमिशन के कोई इस तरह के होल्डिंग बैनर नहीं लगा सकता। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो इसके क्रम में आज घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। इस क्रम में हम लोगों ने जितने राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर होर्डिंग या वॉल राइटिंग है ये सब हम 24 घंटे के अंदर हमें हटाना होता है, उसी के तहत ये कार्रवाई शुरू की गई है। ये हम सारी विधानसभा क्षेत्र में अपने 204 और रैया में ये करा रहे हैं, टीम लगा के रहा है। ग्रामीण इलाकों के लिए क्या निर्देश? ग्रामीण इलाकों के लिए खंड विकास अधिकारी एडीओ पंचायत तो हमारे लेखपाल वहाँ पे अपनी टीम के साथ रह के सारे इस तरह के डिफेसमेंट के जितने हैं सब हटवाएंगे।